मैं भी ऐसा खिलाड़ी बनना चाहता था। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी, अफसोस बन नहीं पाया। एक स्पोर्ट्समैन को हालात ने पहले नेता बनाया, फिर एमएलए और फिर मंत्री बना दिया। वक्त ही सबसे बड़ी सच्चाई है, बाकी सब बेकार है। मंत्री की आप बीती जानने के बाद दो दिन के रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सच्चाई वो नहीं है जो उन्होंने दिखाई है। देश के सबसे बड़े घोटाले, सबसे बड़े हमले इसी मंत्री काल में हुए हैं और इसी बात की विजिलेंस डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है, जिसके चलते आपने अपने पद से इस्तीफा दिया था और आपने अपने बेटे के समय में मुख्यमंत्री का सपना देखकर मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा आज भी वही जवाब है, वक्त ही सबसे बड़ी सच्चाई है, बाकी सब कुछ झूठ है। मुझे खुद पे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी जगह पे फिर से आ जाऊंगा, मंत्री बन के नहीं, मुख्यमंत्री बन के। मुझे उस पद पे लाकर बिठाएगा वक्त। अच्छा मिस्टर नमियार, अब इसी विषय का जवाब देगी सूजन मेरी थॉमस। विबजोन नामक बुक लिखने वाली ये फेमस राइटर है जो आप सभी का चेहरा है। ये पुराने मशहूर राइटर मेरी थॉमस की बेटी है, जो एक दिशा नाम के संगठन की लीडर है। ऐसे काफी काम कर चुकी है, नाम कमा चुकी है। सूजन मेरी थॉमस एक जर्नलिस्ट होकर मिस्टर कृष्णा नमियार को आज यहाँ लेकर आई है। सूजन तुम्हारा क्या कहना है? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। उन्होंने भले ही राष्ट्र के हित में कोई बात की हो, लेकिन उनके अंदर जो जहर है वो झलक रहा था और साफ दिखाई दे रहा था। मंत्री तक ही नहीं, मुख्यमंत्री के पद तक मैं पहुंचूंगा ये उनका कहना था। मुझे इस बात का शक है कि वो विजिलेंस डिपार्टमेंट के सारे सिस्टम को बिगाड़ के अपना कदम जरूर उठाएंगे और साजिश रचेंगे। विजिलेंस डिपार्टमेंट की आज तक की इंक्वायरी में आज तक इस राज्य के किसी भी नेता को कोई सजा नहीं हो पाई है, ये सच्चाई आज भी हमारे सामने है। चंबियार जी का प्रस्ताव, ये प्रस्ताव इसे अंजाम जरूर देगा और सारे नेताओं को खरीद लिया जाएगा। इसलिए इनकी तहकीकात पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, इस बात की मैं अपेक्षा करती हूँ। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उस सूजन मेरी थॉमस को। विजिलेंस डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले, इससे पहले मैं उसका वेजिटेबल बना दूंगा। सिटीजन जर्नलिस्ट, उसका सही मायने क्या है ये उसे सिखाएंगे हम। मेरे पार्टी यूथ के नौजवान बच्चे हैं। भास्कर जनरेटर चालू कर दे। हाँ। लाइट आ गई भैया। कृष्णा भैया ये किधर चले गए? कृष्णा भैया कृष्णा भैया
मे आई कमिंग सर? आ जा। क्यों पीछे प्रेस वालों को तो साथ नहीं लाया? पिछली बार तूने जो हरकत की थी, उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो हरकत नहीं करेगा तू। जिस किसी से भी कहना था उनसे कहने के बाद तुझे बुलाया है थ्रू प्रॉपर चैनल। सर, एक्स मिनिस्टर कृष्णन अंबियार, उसको मरे हुए एक महीना हो गया है, आज तक किसी को भी पकड़ा है तूने या तेरे डिपार्टमेंट ने? बताओ। सर ये देख, तुझे पता है प्रेस ने क्या लिखा है? कृष्णन अंबियार के कातिलों का पता लगाना ही होगा। सर फिर सर, मैंने जो बात कही वो तुम्हारी समझ में आई कि नहीं आई? बताओ सर। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? नो सर। हाँ, अलेक्जेंडर मेकालन, सिटी पुलिस कमिश्नर, वही है ना पिछले एक महीने से इस केस की इंक्वायरी कर रहा है। वो जहाँ तक पहुँचा है उतना ही काफी है। केस अब मैं दूसरे के हाथ में देने जा रहा हूँ। तुम जानते हो उस आदमी को? वो है मिस्टर अपन मेनन, समझे? जानता हूँ सर, डॉक्टर अपन मेनन IPS। क्राइम में उन्होंने डॉक्टरी की है, थोड़ा सा ढीला है। हाँ बिल्कुल ठीक है, उनका तौर तरीका जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ढीला है सर। लेकिन वो सिर्फ दिखने में है, वैसे हिम्मत वाला है। उसके सारे पुराने केस मैंने स्टडी करके देख लिए हैं। उन्होंने जिस केस में हाथ डाला है सारे मुजरिमों को सजा मिली है। इतना काबिल आदमी ही सिविल वालों की तरह काम कर सकता है। ऐसा केस अगर मैं उसे सौंपता हूँ तो तुम्हारी क्या राय है मिस्टर DGP? सर, ये फैसला मैं आज ही लेने जा रहा हूँ, आज की मंत्री सभा के बाद। सर हाँ, और सुनो सर, बाहर जाते ही प्रेस वालों को स्टेटमेंट मत देना कि मैंने ये केस किसी और के हाथ में दे दिया। जानते हो ना वो सबका बाप है अपन मेनन। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। कल मैं 5 मिनट लेट आ गई थी, इसलिए सर आपने मुझे डांटा था, इसलिए आज मैं करेक्ट टाइम पे आ गई हूँ। भले कल डांट मिली थी, लेकिन आज समय पर आने के लिए थोड़े अच्छे शब्द सुनने की उम्मीद रख सकती हूँ ना सर। मैं कोई भी बात कहता हूँ तो वो सबक है ट्रेन के लिए। ट्रेन के लिए? हाँ, कल तुम अगर लेट आई थी तो उसकी जिम्मेदार ट्रेन थी। ट्रेन लेट हो गई तो तुम लेट हो गई। आज सही वक्त पे ट्रेन आ गई तो तुम भी वक्त पे आ गई। इसमें तारीफ की क्या बात है? आज ट्रेन सही वक्त पे आई तभी तो तुम ऑफिस में आई हो, समझी? हर किसी को अपने वक्त पे बराबर ऑफिस पहुंचना चाहिए, ये हर किसी की जिम्मेदारी नहीं, ये फर्ज भी है उनका। पहले के वक्त में देर सवेर करने वाले को सही रास्ता दिखाने वाले हैं हम हिंदुस्तानी लोग, जो वक्त की कीमत को अच्छी तरह जानते हैं। इसका कारण सिंपल है, ट्रेन अपने सही समय पे दौड़ रही है, ऑफिस टाइम पे चालू हो रहा है, हर काम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हम एक ही चीज को पकड़ के नहीं रख सकते, टाइम, वक्त। सो बी केयरफुल अबाउट टाइम। हो जाएगी डिलीवरी? तुम कब प्रेग्नेंट थी जो तुम्हारी डिलीवरी होगी? मैं नहीं, गाय। ओ गाय, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। बच्चे को अपने गोद में उठाने के लिए काफी देर से उसके पास ही मैं खड़ी थी। गाय को बच्चा होने के बाद कृष्ण के मंदिर में मैं 3 बार उससे चक्कर लगवाऊंगी। तुम? मैं नहीं, तुम। विद्या, गाय की डिलीवरी जैसी नॉर्मल बात को तुम इस तरह कृष्ण के मंदिर, शंकर के मंदिर में जाकर तुम इस तरह मन्नत मांगती रहोगी तो मैं काम कर चुका है इसे। मेरा काम, यू नो आई एम एन IPS ऑफिसर। तुम अगर IPS ऑफिसर हो तो मैं एक IPS ऑफिसर की बीवी हूँ। मैं कभी तुम्हें तकलीफ दूंगी? तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो? तुम्हें तो हमेशा काम की ही पड़ी रहती है, बस सिर्फ
काम और काम, कब खत्म होगा ये? 2035 जुलाई महीना 55वीं साल मेरे रिटायरमेंट के बाद तुम्हारी आज तक की जितनी भी शिकायतें हैं मैं उस दिन बैठ कर सब पूरी कर दूंगा, वो भी सूद समेत। बुढ़ापे में? बुढ़ापा नहीं होगा जवानी, नए तरीके को तुम नहीं जानती क्या? रिटायरमेंट के बाद ही असली जिंदगी शुरू होती है, बच्चों की शादी के बाद हम दोनों खुल के ऐश करेंगे ना। उसके लिए बच्चे कहाँ हैं? हो जाएंगे ना। अरे दूध, विद्या दूध चूल्हे पे चढ़ाकर ये क्या करती है? हेलो हेलो, क्या बात है? ड्यूटी करने के बजाय सो रहे हो? दोपहर के खाने के बाद 15 मिनट आराम करना चाहिए, ये अपने सर का ऑर्डर है। थोड़ा सा आराम करने के बाद आदमी ड्यूटी के लिए फ्रेश रहता है, ये अपने सर का कहना है। मेरा भी यही तजुर्बा है। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? इस वक्त अपने सर से नहीं मिल सकते, इस वक्त अंदर कोई न जाए, ये उनका सख्त ऑर्डर है। बेकार में आप परेशान मत हो। मैं एक मैसेंजर हूँ, स्पेशल मैसेंजर। सर, अपन सर, सर। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, डांट खानी पड़ी ना। ओ, मैंने पहले ही समझाया था। अच्छा मैसेंजर, तुम यहाँ क्यों आए हो, ये तो बताया ही नहीं। डीजीपी के ऑफिस से आया हूँ। कृष्णन नंबियार के मर्डर केस की तहकीकात अब अपन सर करेंगे। अपन? कौन अपन? कैसा अपन? अपन नहीं, उससे बड़ा भी कोई आएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। वो स्लो है, स्टडी नहीं, स्ट्रांग भी है, फिर भी एक महीना नहीं, एक साल भी जोर लगा देंगे फिर भी ढूंढ के निकालेंगे, एकदम परफेक्ट है। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। मेरा पत्ता साफ करने के लिए काफी लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इससे पहले कि मंत्रिमंडल ने मुझे बहुत ऊपर नीचे करने की कोशिश भी की थी, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब वो पूरी तरह शांत है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अपन मेनन इस केस में क्या होंगे ये अब मुझे देखना होगा। उपमा मेनन है। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हाथ में टिफिन है, कंधे पे लैपटॉप, केस समझो खल्लास। इस केस के बारे में जो भी मैंने समझाया वो सब तुम्हें याद है मिस्टर अपन? जितनी जल्दी हो सके मुजरिम को पकड़ो, यही सीएम का ऑर्डर है। उस मुजरिम के बारे में सीएम साहब कुछ जानते होंगे ना सर? नहीं, तुरंत पकड़ना है ना, इसीलिए मैंने पूछ लिया सर बस। सीएम के बारे में गलत मत सोचो मिस्टर अपन। देखो पत्रकारों ने क्या छापा है। मोनोग्राफिक फोटो और उनका ये अपमान और इनके खिलाफ ये स्टेटमेंट, हिंदुस्तान के लोगों की नजर में साफ बनने की कोशिश। जो बेइज्जती से बचने के तरीके हैं देश के छोटे छोटे हादसों को और देश की छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर छापने वाली पत्रिका को कौन नहीं जानता सर? ये अच्छों को, बुरों को, गंदे संगीत को और अश्लील फिल्मों को, इतना ही नहीं सर, खाने पीने की चीजों के बारे में भी लिख कर जाति विवाद को जोड़ने वाली ऐसी डी क्लास मैगजीन किसी भी केस की बुनियाद नहीं बननी चाहिए सर। इसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इसकी जगह कहाँ है। ये देखिए, देखा ये केस मैं क्यों ले रहा हूँ? सच कहूँ मैं सर आपको, मैं सब बताता हूँ। सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन नाम की संस्था के अंदर मैं खुद काम करने की कोशिश करता था। हाँ सर, कोशिश नहीं करना चाहिए, लगे रहो, सबको पता चलना चाहिए मिस्टर अपन। एनीवे बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेट्स। थैंक यू सर। सीएम की आदत को तुम अच्छे से जानते हो, कुछ भी होगा वो डायरेक्ट बुलाएंगे और पूछेंगे इंसान अच्छा है या बुरा है,
सब कुछ अच्छा होना चाहिए, यही उनका मकसद है। जानता हूँ सर, बट वेट, नहीं होगा सर, एक भी कुछ कभी नहीं। I should give it the try. Sahadev. Sir. Yes. इस तरह चीख के रोया होगा, लेकिन मरने की जगह पे जो भास्कर था, उसने मरने वाले कृष्णा नाभियार के बारे में ऐसी कोई बात ना लिखी ना बताई। छे? Total confusion, complication. लेकिन मजा है। सर घुमाने की ये ट्रिक है। Very interesting. साढ़े आठ बज गए, मुझे उसे फोन करना था, आधा घंटा लेट हो गया। अरे मर गया मैं तो, सॉरी विद्या, I'm so sorry, very sorry. Yeah, pick up. See, मैंने कहा था ना फोन नहीं उठाएगी, नाराज है। हेलो, सॉरी विद्या, मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। रियली सॉरी, अरे दिमाग खपाते बैठा था ना मैं इस केस में। सुना था शाम की टीवी न्यूज में थी ये खबर, क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा केस लेके सर खपाने की? अरे सर खपा नहीं रहा हूँ मैं, सर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के किए हुए इस फैसले को मैं ना कैसे बोल सकता हूँ, यू नो आई एम अ रिस्पांसिबल ऑफिसर। थोड़ा संभल के काम करना जी, मरने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था, इसलिए दुश्मन भी उसके बराबर का होगा। यस, लेकिन मैं पता लगा लूंगा भले वो कितना बड़ा क्यों ना हो। हाँ तो फिर क्या हुआ, हमारी गाय का बच्चा देने वाली थी, कृष्ण के मंदिर में चक्कर लगाने वाली बात की जरूरत है क्या? जी हाँ। वो बच्चा दे दिया? हाँ, आज ही दोपहर को, उसी वक्त तुम्हें फोन पे बताना चाहती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। अरे ये हांडी बर्तन कौन गिरा रहा है विद्या? अरे सुनो जी, लगता है चूल्हे के पास बिल्ली आ गई है, तुम थोड़ा होल्ड करोगे? हाँ क्यों नहीं, होल्ड करूंगा ना। बेकार का इतना फोन बिल क्यों बढ़ा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। जी हाँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मेरी घरवाली है, किसी बाहर वाली से नहीं कर रहा, समझ गए? समझ गया, तो फिर उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? तो फिर हमारे खानदानी घर में दिया कौन जलाएगा, जानवर को कौन देखेगा, घर की देखभाल कौन करेगा? ये बात वो मुझसे पूछेगी तो मैं उससे क्या बोलूंगा सहदेव? कोई जवाब नहीं है। वही तो। विद्या, विद्या, ये फोन लगकर पता नहीं कहाँ चली जाती है। कुछ दिनों से मेरा निशाना सही से लग नहीं रहा है। सर क्या हुआ? वो अपन सर ने। आता हूँ, बोलो। जी सर। मुझे बुलाया है, वैसे भी मुझे उनसे बात करनी है, आने दो, देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग अपन, है ना? सॉरी डॉक्टर अपन मेनन आईपीएस, दैट्स माय नेम। ये आईपीएस मींस इंडियन परफॉर्मेंस सर्विस है ना? परफॉर्म करना चाहिए ना? नहीं? हाँ चाहिए। जब तुम्हें सरकार ने गाड़ी दी है तो खुद की गाड़ी की क्या जरूरत है, उसे क्यों शो कर रहे हो? शो नहीं, कैश कैश, पैसे वाले परिवार से हूँ ना, इसलिए मैं सरकार की गाड़ी ना तो ऑन ड्यूटी पर यूज करता हूँ ना ही ऑफ ड्यूटी पर। ओहो, ये कलरफुल ड्रेसिंग बदल दो, कॉलेज के लड़कों की तरह, ये पुलिस वालों पर शोभा नहीं देता, पब्लिक ऐसे देखती है तो हमसे डरती नहीं। पब्लिक को डराने के लिए पुलिस है ये? आपको किस कैंप में ट्रेनिंग दी गई है सर? बिंदास रहना चाहिए पुलिस को, पब्लिक के लिए भी, परिवार के लिए भी, सिर्फ बातचीत या व्यवहार में ही नहीं, ड्रेस में भी चेंज होना चाहिए, फील करना चाहिए जनता को हम भी उनमें से एक हैं। क्रिमिनल के लिए भी अगर हम व्हील जगाएं तो? नहीं होगा, अफसर अगर थोड़ा सा भी दिमाग रखेगा तो ऐसा काम नहीं होगा। ओ, वैसे हमारे गांव में एक कहावत है, मतलब निकालने के लिए गधे को भी बाप कहते हैं,
कहीं तुम भी उनमें से तो नहीं हो? लेकिन हमारे गाँव में इस कहावत में थोड़ा सा चेंज है। गधे भी बाप की तरह मेहनत करते हैं पेट पालने के लिए, इसलिए उनको बाप का दर्जा दिया जाता है। क्या बाप? हाँ मिस्टर अप मेनन, अभी तक तुम जैसा करते आए हो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पाप का घड़ा ढूंढने के लिए पाताल में जाना पड़ता है डेडलॉक के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। वो बात नहीं, कुछ तो है। मेरे नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर नहीं लिखा है मगर मैं बहुत खतरनाक पुलिस वाला हूँ। ना किसने कहा सर, किसी ने नहीं। ये कॉम्प्लेक्स है ना, इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। पहले आपको इसको छोड़ना होगा, सब फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा। फ्रस्ट्रेशन निकल गई तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो ये सब वेरी सिंपल है। लाइक दिस। तो मुझे हेल्प चाहिए। कुंडा लिस्ट मिलेगी ना? हाँ वही तो। हाँ तो फिर केस स्टडी करते वक्त मैंने नामबियार पर बहुत रिसर्च की है। कोई बात नहीं, आई एम वेरी अपसेट बट यू डोंट हैव एनी रीजन टू बी अपसेट। मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ और संभाल लूंगा। जी आदमी बढ़िया है ना सर। कहाँ से मिला तुम्हें ये नाम? वो तो माँ से पूछना पड़ेगा। तुम्हारा नाम नहीं, इसका नाम विज्योर, योर नॉवल। मैं जब छोटी थी तो मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती थी। गुड। बारिश को पसंद करने वालों के चेहरे पर फुंसे फोड़ियाँ, हाथों पर फुंसे फोड़ियाँ, ये सब सबूत के लिए काफी है ना? क्या कहती हो? What do you mean? कृष्णन नाम्बियार की मौत, उसके पीछे सुसन और सुसन के संगठन का काम। लाइन अच्छी है, क्रिमिनोलॉजी में डॉक्टरेट, यंग, ब्रिलियंट। लेकिन आज का पेपर मैंने पढ़ा है, लेकिन उसमें तो ये मिरेकल नहीं था। एक ही दिन में तुमने उसका पता लगा लिया, नाम्बियार के परिवार में किसने क्यों मर्डर किया। मिस्टर अपन मेनन, मेरी जिंदगी में मैं क्या चाहती हूँ ये बताने के लायक सिर्फ एक ही इंसान था जो इतने हिम्मत वाले थे, वो थे गांधी जी। और उन्हें गांधी जी के सपनों को साकार करने वाली का नाम है दिशा। और अगर हमने किसी के बारे में कुछ कहा और सुना होगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। आगे गांधी, पीछे गॉड से, आगे बुद्ध, पीछे हिटलर। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में प्रजातंत्र के नाम पे खेलने वाला ये वो कड़वा सच है जो आज के एक चेहरे के दो रूप है। और हुकूमत चलाने के लिए ये दो रूपों से बढ़िया और कोई रूप नहीं है, ये सभी जानते हैं। एक झूठ के आगे 100 झूठ लगा के सच साबित करने वाले ऐसे कितने हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। ऐसे कितने ही संगठन हैं जो अपने चरित्र को बहुत साफ बताते हैं। सुजन तुम्हें पता है कि नहीं? मैं नहीं जानता। पूरे भारत के अंदर इंसानियत की भलाई करने वाले कितने ही संगठन हैं, लेकिन संगठन के पीछे गलत काम करने वालों का कितना योगदान रहता है ये किसी से नहीं छुपा। दिशा कोई ऐसे संगठन नहीं है, आगे और पीछे गांधी जी है और ऐसा सोचने वाले करोड़ों लोग है, ऐसा हमारा विश्वास है। पहले टीवी चैनल पे प्रसारित होने वाला, उसके बाद जितनी पत्रिकाओं में ये छपा है, ये काम दिशा का ही है ना? जी हाँ। ओके, ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली? संगठन के लेटर बॉक्स में एक सीडी मिली थी, उसी में ये सारी खबर मौजूद थी। वो सीडी लेटर बॉक्स में किसने डाली थी? पता नहीं। पता नहीं लगवाया? इसमें क्या पता लगाना, ये सारी बातें सच है ये पता चल गया, यही काफी है। और ये चिट्ठियाँ कितनी कारगर साबित होती है ये तो तुम्हें पता होगा ना डॉक्टर अपर मेनन। Then you may go. लेकिन एक बात, तुमने मुझे जो भी बातें बताई हैं और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बातें सुनकर मैं कन्विंस हो गया, ये मत समझना। सुजन पे हमेशा मेरी नजर आएगी, इस मेनन की। हाँ ऑलवेज वेलकम। एक्सक्यूज मी। बहुत अच्छी है। तुम नहीं, योर नॉवल। थैंक यू। सर अलेक्जेंडर साहब ने गुंडों की लिस्ट भेजी। मिस्टर मैकलन, ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका नहीं होता। अगर तुम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसे पूरी तरह से कंप्लीट करो। एंथोनी, एज 24 साल, 6 केस है इस पर,
और ड्रग एडिक्ट। 21 साल की उम्र में जब ये कॉलेज में था तो पहला केस हुआ। सलीम एज 30 साल, गैंग लीडर, टोटल 14 केस। पहला केस इस पर 18 साल की उम्र में हुआ। सी दिस इज ऑल, आई एम टोटली अपसेट एंड आई एम टोटली अपसेट विद यू। एक लड़का 18 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में क्रिमिनल बनता है ये बताया गया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है मुझे ये जानना है। वो जानने के लिए हमें उसके पीछे जाना होगा। वेयर इज इट? कम ऑन टेल मी वेयर इज इट। वो किधर है मुझसे पूछोगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ? यही हमारे काम का तरीका है। कोई भी जब क्राइम करता है तब से उसकी फाइल हमारे पास रहती है, पहले से नहीं। इसे बदलना होगा, हमें जानना होगा इनका बचपन कैसा था। इलाज हमें वहीं से शुरू करना है। मैं अगर अकेला ऐसा सोचूं तो क्या फर्क पड़ेगा? यही तो खराबी है, मेरे अकेले के सोचने से क्या होगा, यही हमारी सोच गलत हो जाती है। ये आसान तरीका है अपनी जान छुड़ाने का, हमें इसे बदलना है। बेटर लेट देन नेवर, अच्छाई की ओर पहला कदम। बच्चे क्रिमिनल क्यों बनते हैं यही ढूंढना है, क्योंकि बच्चे महान है, बच्चों का वक्त महान है। यू गेट मी? क्या कहां से आ गया? नहीं मुझे कुछ मत कहो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। तुम इतनी नाराज क्यों होती हो विद्या? तुम्हें पता नहीं कुछ क्रिमिनल कुछ दिन बाद बहुत डेंजरस हो जाते हैं मानसिक रूप से, फिर उन्हें अच्छाई की ओर लाने के लिए रात दिन की कोशिश भी किसी काम नहीं आती, बेकार हो जाती है। इसलिए कृष्णन नामियार के मर्डर के पीछे भी कहीं ऐसे लोगों का हाथ तो नहीं, इसलिए मैंने गुंडों की लिस्ट मांगी, लेकिन वो लिस्ट को मैं यूज ही नहीं कर सकता हूँ। ये क्या बात हुई है? ऐसा कानून है क्या? मैं कानून की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सूजन मेरी थॉमस की बात कर रही हूँ। उन्हें बुला के सवाल क्यों किया? एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते खूनी का पता लगाने के लिए उन पे शक करना मेरा कर्तव्य है विद्या। सूजन मेरी थॉमस के खिलाफ हो या उसकी संस्था के खिलाफ, तो आज तक कुछ भी गलत नहीं सुना मैंने। इसलिए तुम्हें तुरंत जाके उनसे मिलना होगा और सॉरी बोलना होगा। सॉरी? मेरे लिए तुम्हें ये करना होगा। आपको कोई भी औरत गलत सोचे ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। मैं कुछ भी गलती करती हूँ तुम मुझे कुछ नहीं बोलते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं? उसी तरह प्यार करना होगा सबके साथ। सूजन से भी? हाँ सूजन से भी, एक दोस्त बनकर, अच्छे दोस्त बनकर। ओके ओके। कल रात में ये घटना घटी, 4-5 लोग होंगे वो। मरने से पहले मेरे पति ने कुछ उधार लिया था, असल के साथ सूद भी, और उसका सूद भी मैं दे चुकी हूँ अब उसके बाद भी। ये देखो उन लोगों ने क्या किया। जाने दो, सहन कर लो, आज के बाद तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। शायना इनसे इनका बयान लिखवा लो, हमें कमिश्नर ऑफिस में फॉरवर्ड करना है। ऑफिस पहुंचना है, कमिश्नर के पास फरियाद। ऐसे लोगों का इलाज कमिश्नर के पास नहीं है, उन कमीनों को तो मार ही देना चाहिए। उनको तड़पा तड़पा के मारूंगा, मैं मारूंगा अकेले। गणेश तुम अंदर जाओ। नहीं, ये लोग इस तरह बेकार। पहले तुम अंदर तो जाओ, जाओ। अब क्यों आए हो? सॉरी, सूजन के घर पे आके सॉरी कहने की जरूरत आ गई। किसे? डीजीपी को? डीजीपी वगैरह नहीं है, डीजीपी अगर कहते तो मैं नहीं मानता। ये विद्या है मेरी बीवी, वो कुछ भी कहती है तो मैं करता हूँ। वी आर डीपली इन लव, यू गेट मी? मैं विद्या को फोन करता हूँ। विद्या, डन। सूजन से मैंने सॉरी कह दिया, कह दिया ना, कह दिया ना। हाँ इधर ही हूँ। ओके बाद में फोन करता हूँ। विद्या, हाँ गलत बात है, घर पे आए गेस्ट को एक कप चाय भी नहीं पूछ रही तुम। सो सॉरी, मैं अभी लेकर आती हूँ। रहने दो रहने दो, कह के करने वाली नहीं सोच के करने वाली औरत होती है। चलता हूँ। तेरे कहने के मुताबिक नहीं लगता ये। ये सब इन लोगों के पैतरे हैं मम्मा, अपनी मुट्ठी में करने के लिए। कुछ भी हो तुम्हें इससे उलझने की जरूरत नहीं। मुझे क्या पड़ी है, लेकिन मेरे पीछे पड़े तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हेलो, अच्छा ठीक है, थैंक्स।
पॉलिटिकल लीडर सुलेमान साहिब। इस कॉर्नर हमारे दिए हुए संदेश के मुताबिक आज के मंत्रिमंडल के मुद्दे पर जोरदार बहस होगी और फिर विजिलेंस को तो बुलाएंगे ही, तो हमें डरने की कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग अपन। मॉर्निंग। हाँ, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। नंबियार का केस अंजाम तक नहीं पहुंचा और उससे पहले ही इसका गेम हो गया सुलेमान शाह का। प्लीज रुकिए रुकिए, यहीं रुकिए। रुक जाओ वहीं पर। नो कमेंट्स, नो क्वेश्चंस। मैकलम, आज शाम को अपना कोई भी प्रोग्राम मत रखना। वी हैव अ मीटिंग विद द डीजी। ये नहीं हो सकता। मैं आज अपनी बीवी के साथ चर्च में जाने का वादा किया है, वो तोड़ नहीं सकता। तोड़ना होगा। चर्च प्रेयर सब बाद में, ड्यूटी फर्स्ट। हाँ, भगवान का हिस्सा भगवान को, कानून का हिस्सा कानून को, ये तो पहले से ही चलता आया। मैं ऐसा नहीं सोचता। भगवान का वक्त भी फर्ज पर। टाइम इज गॉड एंड वर्क इज वर्शिप। वक्त ही भगवान है, मेहनत ही इबादत है। सो बी देयर ऑन टाइम। ओके, पीछे जाइए आप लोग। बी देयर ऑन टाइम। कुछ ही दिन पहले जिनका खून हुआ कृष्णा नंबियार, और कल रात जिसका खून हुआ वो है सेठ सुलेमान। दोनों के खून के पीछे का राज मैं साफ देख रहा हूँ। दोनों बैकड्रॉप कनेक्शन। समानता यह है कि दोनों एक ही जैसे केस के अंदर, दोनों एक जैसे ही मरे हुए पाए गए, जो इनकी मौत का कारण बनी। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों के खून के पीछे किसी एक शातिर दिमाग का हाथ है। ये मैं दावे से कहता हूँ। कौन है वो? हो सकता है वो अकेला हो, या फिर ग्रुप भी हो सकता है, या फिर कोई संस्था भी हो सकती है। जी, आप सिर्फ एक इशू बना रहे हैं। एक आदमी का दिमाग होगा, मैं इसे मान सकता हूँ, लेकिन कोई संस्था इसके पीछे है, ये बात मैं नहीं मानता। मैकलम, बोलो। कुछ ही दिनों पहले एक गांव से कुछ आदिवासी लड़के लोग आए थे, आंध्र प्रदेश में नक्सलाइट ग्रुप बना के पीपल वॉर्स ग्रुप नाम दे के आतंक बचा रहे थे, ये तो सुना होगा। एक टीवी चैनल ने न्यूज दी थी, याद है? हाँ। 1970 में जो अपना सपना बिखर गया था, आज फिर से वो सर उठाने लगा है। सर, बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश के तट तक ये मौत का तांडव, कि हवा बॉर्डर पार करके यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। सर, ये बात याद रखिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा मिस्टर अपन, और आपकी क्या राय है? सर, ये दामोदरन है, कल जिस सुलेमान का खून हुआ उनका दोस्त और उनकी पार्टी का सदस्य। कल विजिलेंस के बारे में असेंबली में जिस बारे में बहस हुई, उसमें उनके खिलाफ आवाज उठाने में ये दूसरे नंबर पे था। इसलिए हमें इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस बात का पता इसे नहीं चलना चाहिए। शैडो बनानी होगी और हमें इसका पीछा करना होगा। हाँ, मुझे लगता है शायद वो आधा पागल है। फालतू में इस तरह भटकने से क्या मतलब होगा? भले इसकी जरूरत नहीं, फिर भी आपने सुना नहीं, उनका जो एक्सपीरियंस है शायद वो सच भी हो। अपन सर जो कहते हैं सच कहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। खूनी तो आएगा, चाहे अकेले या अपन ही नहीं, तो भी पागल हो गया है। खैर, तो भी लगा रहा संभल के। ओवरटेक मत कर, फॉलो कर। ये लो, वो भी चला गया बीपी बढ़ाकर। हेलो। हाँ, जितना कहा था उतना चाहिए, उनसे कह दो। सर? हाँ, मैं अपन को फोन करता हूँ। दिखाई नहीं पड़ता क्या? रुक, किधर भागता है? मैं
मैकलम। यस। अगले दिन के लिए तैयार रहो। खून भी उसी ने किया है, लगता है भगवा ड्रेस वाले ने। मैकलम, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। उसकी डिटेल्स निकालने का एक आसान तरीका है। दिशा नाम का एक संगठन है, यहाँ पर जितना भी क्राइम होता है, खून होता है, इन सारी चीजों का सबूत हमें वहीं से मिल सकता है। हमें वहाँ जाना चाहिए। मेरा आदमी हो सकता है, ऐसा तुम्हें शक तो नहीं है ना? सबूत सबूत है मगर शक नहीं। बिल्ली काली हो या गोरी हो, चूहे को पकड़ ही लेती है बस। क्यों? अब हम आगे बढ़े। बिल्ली काली हो चाहे गोरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे कंप्यूटर में इसकी कोई जानकारी नहीं। हाँ, अब आप लोग चाय पी लो। ये वो उस दिन मैंने जो कहा था वो चाहे तो नहीं? वही समझ लो, ये सिर्फ एक घर ही नहीं है, ऑफिस भी है, हॉस्टल भी है। कौन आता है कौन जाता है ये देखने का वक्त भी नहीं मिलता। वैसे तो सभी जानते हो, गेस्ट की खातिरदारी करने के लिए कभी कभी वक्त नहीं मिलता। दासन है ये, इसकी तस्वीर यहाँ कैसे? माँ जी, आप इनको जानती हैं? हाँ जानती हूँ। दासन, पहले एक बार मैं सेल्फ डिफेंस के लिए चर्च के सामने आंदोलन कर रही थी, तब इसी के जरिए मुझे लेटर आया, वो इसी का लिखा हुआ था। एक बार वो मिलने भी आया, उस वक्त ये बहुत जवान था, लेकिन दिल से हमारे गणेश से भी ज्यादा अग्रेसिव था। बाद में पता चला लोगों की भलाई और उनकी उन्नति के लिए जिन्होंने हथियार उठाए उनके साथ ये भी मिल गया था। मलबार स्टेशन पर जब हमला हुआ, उसी तरह कई पुलिस स्टेशन पर हमलों के लिए पुलिस ने इसे ढूंढते हुए मैंने देखा है। लेकिन ये भगवा, खैर उस वक्त की बात कुछ और थी और अब कुछ और है। ये रहता कहाँ है, कुछ पता है? ये दक्षिण की ओर कहीं रहता है। ओके ओके माँ जी, बाकी पता लगा लेंगे। कम ऑन, लेट्स गो फास्ट। इंस्पेक्टर साहब, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मेरा भाई कैसा है सब जानते हैं, एक नंबर का नालायक है। उसका नाम दास है ना? हाँ वो पहले, अभी उसका नाम दुर्गा दास है, दुर्गा दास स्वामी। एक बार कलकत्ता गया था जादू टोना मंत्र तंत्र सीखने, वहाँ से आने के बाद ये स्वामी बना, लेकिन आज भी उसके मन में सबको मारने की इच्छा है। मुझे लगता है वो पागल हो गया है। ये कौन? ये मेरे पति है, बहुत शरीफ है। अरे मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं अभी लाती हूँ ना, थोड़ा संभालो जी। मैकलम, आई थिंक शी इज सर, वो मेरा साला है, बीवी का भाई है। कहाँ है मैं जानता हूँ? कहाँ? जंगल के अंदर। उधर जंगल में मतलब? तुम्हें पकड़ना है तो जंगल में जाना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। चलेगा।
आगे मत बढ़ना वरना मैं इसे मार डालूंगा। नो यू बी है, आई विल हैंडल दिस। आश्रम है, मेरी इजाजत के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर आया तो सजा मौत की सजा। ये दुर्गा की कल्पना है। इन तीनों का खून किया है ना? नहीं, मुझे कुछ मत कहना। सन्यासी हूँ मैं, काम क्रोध और मौत पे मैं विजय प्राप्त कर चुका। चाहो तो मुझे सन्यासी कह सकते हो। तेरी तो तेरा तो हाल बिगाड़ दूंगा अभी मैं। त्रिकाल ज्ञानी होते हैं सन्यासी लोग, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। वैसे सारे खून तुम ही ने किए हैं ना, बताओ। हाँ मैंने किए हैं, दुर्गा का आदेश हुआ और मैंने कर दिया। इस कलयुग में इंसाफ की जंग है, अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, सब खत्म हो जाएगा। यही विधि है, बात से भी वादे से भी। जो लोग मुकर जाते हैं उन्हें मारने का जिम्मा मुझे सौंपा गया है, दुर्गा ने मुझे सौंपा है। ऑफिसर, तुमने ही तो कहा था ना, कृष्णन जंबियार सुलेमान सेठ दामोदर को मारा। सिर्फ उनको ही नहीं, संसार में जितने भी पापी हैं उनको मैं मारूंगा। अब तुम्हारे लिए नरक का द्वार खुल चुका है ऑफिसर, यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोग भी एक दिन मेरा ही शिकार बनोगे। मारने वाले देवताओं को पैदा ही क्यों करते हैं? वक्त तो रहमदिल होता है ना। रहमदिल
कहाँ है वो? अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को मारने वाला जमाना है ये। नहीं, सबको मारना होगा। यहाँ पर मुझे पकड़ के बंद करके कुछ नहीं होगा। दुर्गा का आदेश है, और भी आएंगे उसके भक्त। तूफान बनके, बारिश बनके, बाढ़ बनके, आग बनके, आकाश को छूने वाली इमारत भी ढेर हो जाएगी। मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। मैकलम, यस, इसकी गिरफ्तारी का इंतजाम करो। आज ही सर, कोई साइकेट्रिस्ट को बुला के इसे दिखा दूं क्या? किस लिए? इसके जज्बात के लिए या इसकी भक्ति के लिए? जो अंदर से जला हुआ होगा उसका व्यवहार भी ऐसा ही होगा। या वो सन्यासी बनेगा या फिर शैतान। फिर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। उनको डॉक्टर का इलाज काम नहीं आएगा। आराम, इसको उसी चीज की सख्त जरूरत है। इसको आराम करने दो जब तक इसका दिमाग शांत नहीं हो जाता। दुर्गा दास के पकड़े जाने का कारण क्या पता है? तुम्हारी माँ। माँ जी अगर उस दिन तस्वीर को ना पहचानती तो हम अभी तक उसको पकड़ नहीं पाते। थैंक्स। तुम्हारे साथ कौन रहता है वैगा के अलावा? विद्या के अलावा? सिर्फ विद्या। मम्मी को मैंने नहीं देखा। डैडी तमिलनाडु पुलिस में थे, एक ब्रिटिश स्टाइल पुलिस। टू मच ऑफ डिसिप्लिन। अभी चले गए। विद्या तमिल है? महाराष्ट्रियन। उसके डैडी मराठी है, माँ दिल्ली की है, इसलिए विद्या अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती है। विद्या अच्छा नाम है ना मामा? हाँ, हमारे तरफ एक नदी का नाम है। अभी वो नदी सूख चुकी है, लेकिन मेरी विद्या ऐसी नहीं है। वो तो बहती ही रहती है मेरे प्यार की धारा में। चलता हूँ। हरियाली से लहराते हुए हमारे राज्य पर ओला कंपनी ने कब्जा कर लिया और उसकी सुंदरता बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। पीने के पानी में गंदगी फैला रहा है और हमारी ये लड़ाई पीने के पानी के लिए है, जिसे बंद कराना हमारा लक्ष्य है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह के वार्षिक उत्सव पर आज मुझे ऐलान करते हुए लज्जा आ रही है कि हम इस आजाद देश में अपनी ही चीज को बचाने के लिए हमें फिर से सत्याग्रह का सहारा लेना पड़ रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं तो पूरे देश के लिए अपमान की बात है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज भी हमारे दिलो दिमाग में ताजा है वो स्वतंत्रता की लड़ाई। तो फिर आज भी समझ लो कि हम आजादी के लिए लड़ते हैं और उसी के लिए लड़ते रहेंगे। हमारी इस आजादी की लड़ाई में हर किसी की जरूरत है पानी, और उसके हक के लिए हम लड़ेंगे। हमसे एक विदेशी कंपनी नहीं छीन सकती। ये ऐलान करते हुए मैं आज की सभा समाप्त करती हूँ। खाने का इंतजाम हो गया है। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं घर जाकर खाना खा लूंगी। ठीक है। कहाँ जा रही हो? अपन मेनन के घर। ओ। यहाँ तक आए हैं तो उनके घर पर भी होकर आते हैं। हाँ। रास्ते में ही पड़ता है उनका घर, चलते चलते उनकी मिसेज से भी मिलेंगे। ए गायत्री, तुम नहीं चल रही? नहीं, मेरी हॉस्टल मेट है दीपा, वो यही रहती है, मुझे उससे मिलना है। आते टाइम मिलेंगे। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी विद्या, अंदर आइए। ये घर नहीं है, महल है। अंदर आइए। इस तरफ आइए, आइए। वो वहां पर है। विद्या, मेरी पत्नी। वो जैसा कहती है मैं वैसा ही करता हूं। पत्नी को मरे हुए एक साल हो गए हैं।
वैसा ही हुआ। इस वक्त सुजैन मेरी अच्छी दोस्त है, एक अच्छी दोस्त। सुजैन की माँ जी भी मुझे बहुत पसंद करती है। बिना माँ के पल के बड़ा हुआ हूँ ना मैं, इसलिए मुझे सुजैन की माँ जी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तुम्हारे बारे में भी बहुत पूछ रहे थे, तुम्हें भी वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, मुझसे नाराज हो? दुर्गा दास पहले ही पकड़ा गया हूँ, लेकिन मेरा काम अब तक खत्म नहीं हुआ है विद्या, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा हूँ। नहीं आया तो क्या हुआ, फिर मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हारे दिल में। अरे हाँ, गाय के बछड़े के बारे में तुमने मुझे अभी तक कुछ बताया नहीं। Yes? विद्या के बारे में कुछ बताएंगे नहीं? उधर मरियम का उत्सव चल रहा है ना, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकती ना। आप नहीं जाएंगे? नहीं, यहाँ काम में बिजी हूँ ना। तो फिर मैं चली जाऊँ? नहीं, विद्या को ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? हम दोनों मिले भी हैं और जान पहचान भी हो गई है। मैं आपके घर गई थी विद्या से मिलने। सर, आपके दिल में जो मोहब्बत है, जो प्यार है विद्या के लिए, वो मरने के बाद भी नहीं मरा। आप जैसे दिलवाली और प्यार करने वालों को कौन औरत नहीं चाहेगी? और ऐसा प्यार उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होते हैं। विद्या बहुत नसीब वाली है, वो मरकर भी जिंदा है। नहीं मरी, वो नहीं मरी, मेरी विद्या नहीं मर सकती। क्या जरूरत थी ऐसे बातें करने की? प्यार करता होगा वो अपनी वैघा से। जब तुम्हारे पापा मुझे छोड़ के चले गए, इसी तरह मानसिक रोग मुझे भी लग गया था। जब वो नहीं रहे कोई भी कहता तो मुझे गुस्सा आता। मुझे भी अपने पापा से कोई कम प्यार नहीं था मम्मा, मैं बहुत चाहती थी। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, अभी तक अपन सिर्फ एक पति था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस कैरेक्टर, मैं नहीं जा रही उसकी जिंदगी में, लेकिन विद्या और उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। बहुत से लोग आज मुझे पूछ रहे हैं कि कब तुम्हारा नया नॉवेल आएगा। उन सबको मैं जवाब दूंगी, अपन और विद्या की प्रेम कहानी नॉवेल के रूप में। तुम कैसे पता लगाओगी उसकी आपबीती का? स्पाई वर्क। कम टू द पॉइंट, अपन के साथ एक सहदेव रहते हैं ना, वो मुझे आज एक डायरी देने वाले हैं। अपन की डायरी है, मुझे यकीन है अपन की उस डायरी में सब कुछ मिलेगा। मम्मा देख लेना, विद्या उस डायरी के जरिए फिर जिंदा होगी। मॉर्निंग बेटी, तुम एक लेखक हो इसलिए तुम्हें डायरी दे रहा हूँ। अपन सर को पता चल गया तो? कभी नहीं चलेगा, सिर्फ आज रात के लिए ही चाहिए। पढ़कर कल इसे वापस दे दूंगी। ठीक है। समर्पण
ग्रेट विश्वनाथ मेनन, मेरे पिताजी। शिवगंगा, यही वो जगह है जहां पर मेरा बचपन बिना मां के एक औलाद पर बाप की कठोर नीति का सामना करते हुए जीना पड़ रहा था। ब्रिटिश के वो एक कड़क ऑफिसर थे और उनके कड़क अनुशासन के नीचे मेरा पालन पोषण हो रहा था। उनके लिए फक्र की बात और मेरे लिए दुख की बात। राम नारायण, किधर है अपन? उठा नहीं क्या हो? बारिश का मौसम है, सोने दो बच्चे को। बारिश नहीं, प्रलय भी आए तो भी ठीक 4 बजे जाग जाना चाहिए। आराम के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए है ये वक्त। ये हाथ आगे लो, ये हाथ पीछे लो, कमर झुका के ऐसे मोड़ो। अब प्रणाम करो, फिर दाया पैर आगे करो, फिर बाया पैर आगे करो। अब नमस्कार करो और इस नमस्कार को ही कायम रखो। हाँ, बच्चा वैसे सारे कार्यों में निपुण हो चुका है, मेरे ख्याल से इसको बड़ा होने दिया जाए तो अच्छा होगा। मैं अपने घर से इतनी दूर भिजवा के, खाना पीना यहाँ भिजवा के मैं अपन को ये सब सिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि अधूरा रह जाए या फिर वक्त गवाए। मैं पूरा एक संपूर्ण रूप से इसके अंदर मर्दानगी देखना चाहता हूँ और यही मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। सारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया होगा, मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है। मछली की तरह मैं तड़प जाता था। पानी के अंदर शायद पानी से जीतने के लिए ये मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया। शायद उनका यही तरीका होगा मुझे सही दिशा दिखाने का। अलग अलग सजा, फिर भी मैं अपने पिताजी को भूल नहीं पाया।
ये सच है। खाते समय कांटे चम्मच की आवाज नहीं आनी चाहिए। डाइनिंग टेबल पे बैठकर ऐसे खाने का ये डिसिप्लिन है। मुझे समझाने का उनका ये अजीब तरीका था। विद्या विद्या, जो मेरी इतनी इज्जत करती थी जितनी कोई नहीं करता था, जो मेरी जिंदगी का गुजरा हुआ कल, उसकी हर नजर मेरी तरफ प्यार भरे अंदाज से होती थी, जिसमें एक प्यार का इजहार होता था। अनबिलीवेबल अगर कुछ है तो वो है अपन की परफॉर्मेंस। मेनन, आने वाले समय में तुम अपन के पिता के नाम से जाने जाओगे, आई एम श्योर। क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट के रूप में? ठीक तो है ना, ठीक तो है ना? एक बॉल, टेनिस बॉल। टेनिस तो तू खेलता नहीं, फिर ये टेनिस बॉल का तू क्या करेगा? ये बात पिताजी ने मुझसे कभी नहीं पूछी। जिंदगी में कभी ना कभी कोई बात ये मुझसे जरूर पूछेगा, इसलिए मैं ये सारी टेनिस बॉल संभाल के रखता था। तुम्हें नौकरी शुरू करने से पहले तुम्हें एक सबक और सीखने की जरूरत है। हिम्मत वाले का हमेशा सामना, सीधे आदमी से रिश्ता, कमजोर का हमेशा ध्यान रखना। यह दुनिया अभी तक ऐसे ही चलती आई है। अभी जो चल रहा है और जो आगे जो चलने वाला है वो भी यही है। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है ना? जी हाँ, लेकिन एक शक है। आदमी बीमार हो तो इलाज बीमारी का करना चाहिए या बीमार का? कभी कभार बीमारी का और कभी कभी बीमारी की वजह को ढूंढना चाहिए। जो हुआ वो नहीं हो, जो हुआ वो खत्म हो, उसकी वजह ये गुण तुझ में है, उसके बाद सब कुछ सीख जाओगे और हालात सिखा भी देगा। टाइम है। तुम वही रुक जाओ। उसने जो कहा उसका मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? अरे, बीमारी जाने बगैर बीमार का इलाज करते हैं, यही हमारी कमजोरी है।
दो लोगों के बीच हो, व्यवस्था के बीच हो, आस के बीच हो या विश्वास के बीच हो, जब संघर्ष छिड़ जाता है तो उसकी वजह जाने बिना ही हम फैसला कर लेते हैं। जानकर फैसला करें तो आज हमारा देश कहाँ होता। मुझे आज बहुत खुशी हुई, बहुत मजबूत है वो, जैसा तुमने कहा था बहुत मजबूत है। कल तुम्हें एक जगह जाना होगा, हमारे पहचान के अरविंद अक्षरा के घर पे। उनकी एक लड़की है, बहुत अच्छी बच्ची है, वो बिल्कुल तेरे लायक है, बहुत खूबियां हैं, मेरी बहू बनने के लायक ही वो लड़की है। क्या हुआ, तुझे कुछ कहना है क्या? नहीं। विद्या, विद्या, विद्या। हाँ हाँ, आइए आइए आइए। ठीक तो है ना? हाँ साहब। चलता हूं। अच्छा जी। साहब जी, बड़े साहब नहीं रहे। साहब जी, आपका फूल मैंने तैयार रखा है। नाम क्या है? शनमुगम। बेटी का? मेरी बेटी का नाम है सर। उसे ही कहने दो। विद्या। दिल में एक ख्वाहिश है
विद्या से मैं शादी करना चाहता हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हें पसंद हूँ। ये मेडल मुझे मुख्यमंत्री के हाथों से कब मिले जानती हो? डिग्री में जब फर्स्ट रैंक मिली। विद्या, इन मेडलों से भी बढ़कर मैं किसी और को चाहता हूं। आओ। हर जीत के बाद पिताजी का एक सवाल रहता था, क्या चाहिए गिफ्ट में, और मैं उनसे ये मांगता था गिफ्ट के रूप में। क्यों ये सब तुमने संभाल के रखा है? ये मेरी यादें हैं, मेरे नुकसान की, जो मुझे कभी नहीं मिला, वो सारी बातें याद दिलाती हैं। मैं एक बिन माँ का बच्चा था, माँ ही नहीं, मेरा तो कोई भी नहीं था अपना, मैं अकेला था हमेशा से। मां, मां, लेकिन आज के बाद मैं अकेला नहीं, विद्या है मेरे साथ। सिर्फ विद्या ही नहीं, वी विद्या। चलते चलते उनसे मुलाकात हो गई, शिव गंगा जैसी पावन जो। राहु में मुलाकात हो गई, चंदन के खुशबू जैसे आंखें चार हो गई। फूलों की रानी तू, मेरी दीवानी तू, आजा मेरी बाहों में जाना। तू है मेरी सनम, तुझको मेरी कसम, बाहों में सदा रहना जाना। कली तुम छूने से मुरझाती, तुम छुई मुझसे शर्माती हो तुम। मेरा गए है ना शर्म, ओ मेरे सनम, मैं तेरी मुझको रब की कसम। मेरे पास आ, एहसास जगा, यूं मधुर मधुर सा दर्द जगा।
मुस्कान से तेरी रोशन है मेरे दिल का आंगन, तू ही तो मेरी आशिकी। फूलों से नाजुक हूँ मैं, झूला मत मुझको साजन, दिल को करने दो दिलेरी। मेरी बंदगी मेरी जिंदगी, आके मुझ में समा जा तू। मेरी कामनी मेरी संगनी, आके मुझको गले से लगा ले तू। राहों में चलते चलते उनसे मुलाकात हो गई, शिव गंगा जैसी पावन है। मुलाकात हो गई चंदन के खुशबू जैसे, आंखें चार हो गई। फूलों की रानी तू मेरी दीवानी तू, आ जा मेरी बाहों में जाना। तू है मेरी सनम तुझको मेरी कसम, बाहों में तू सदा रहना जाना। हाँ क्या हुआ बोलो सर, कुछ लोगों ने यहाँ पे हमला कर दिया है, मैं कुछ नहीं बता सकता सर। ओके मैं आके देखता हूँ। ओके सर। उधर शिवगंगा इलाके में काफी लोग दंगा फसाद में मारे गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए सर। मैं जानता हूँ, एक नहीं 16 लोगों को वहाँ पर मार दिया गया है, वो भी रात में जब वो गहरी नींद सो रहे थे। मुझे वहाँ जाना है शिवगंगा, वहाँ के सभी लोगों से मेरा मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन वहाँ की सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने को कहो तुम अपने चीफ से। हम इसकी जांच करेंगे, काम नहीं है। सर ये सारे हथियार यहीं पर मिले हैं सर। ऑफिसर इन लोगों को तुम समझाओ, मैं आया हूँ कानून का उल्लंघन करने के लिए नहीं, कानून का पालन करने के लिए, समझाओ। साहब बहुत अच्छे हैं, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, चलो पीछे हटो। कनप्पन, मुत्तुबियर, श्रवण, पांडे। सर ये सब बड़े क्रिमिनल हैं। हाँ क्या हुआ सर? ए, कुछ नहीं नारायण सर, इन्हें अभी कभी भेज दो, जहाँ से लाए हो वापस वहीं पर, और हमारी जीप से इन्हें छोड़ देना, और दो आदमी मेरे कैबिन में जल्द आ जाओ। सर आने से पहले जितने लोगों को गिरफ्तार किया सबको छोड़ना होगा दिल से। सर मैं तुम्हें कुछ नई थ्योरी बताना चाहता हूँ, अपन मैन एंड थ्योरी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर।
सर व्हाट इज दिस? ये तो एक पिरामिड जैसा लगता है सर। पिरामिड जैसा नहीं, दिस इज अ पिरामिड। लेकिन ये कोई साधारण पिरामिड नहीं है, अ मिनिएचर ऑफ क्रिमिनलिज्म, क्रिमिनल की भाषा में इबादत गाह। सबसे ऊपर ये एक लाइक दिस, उसके बाद दो, उसके बाद चार, इसी तरह से नीचे उतरते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। नारायण, कुछ देर पहले तुमने जो चार लोग मेरे सामने खड़े किए थे ना, वो चारों एकदम निचले भाग के हैं। नो यूज, उन्हें अरेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखा ना, उन्हें छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि ऐसे ही चलता है क्रिमिनलिज्म, नीचे के कितने भी मरते जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनके जाने से और कितने ही उनके साथ जुड़ जाते हैं, मरते भी रहेंगे। ऐसे ही ये सिस्टम हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। ये सारा खेल ऊपर के दो लोग जानते हैं। सो हमें पहुंचना है उस एक शख्स के पास जो इनका भी बाप है। बताओ कौन है वो जो शिव गंगा के 16 लोगों की हत्या का जिम्मेदार है, वो एक शख्स? बताओ, कम ऑन, टेल मी। सर चटियार, वो यहाँ का एक एमपी है, वही राजा चटियार। देन हम जानते हैं उस चटियार को। ये क्या है बेटो? सर थोड़ा कमरे में जाके आराम करना है। देखो पैसों की बर्बादी नहीं चलेगी यहाँ पे, ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पर लेबरों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ गए ना? और एक बात ध्यान से सुनो, जो भी आदमी काम का नहीं है उसको एकदम खत्म कर दो। ये मुझ जैसे अमीर लोगों को भगवान का दिया हुआ प्रसाद है भाई। अगर मैं पार्टी लैंग्वेज से कहूँ तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या, ये गोल गोल क्या है? वो बेडरूम है साहब। स्विमिंग पूल नहीं है क्या? वो भी है साहब। ये कौन है हमारी तरफ आ रहा है? कोई नया बंगला बनवाने आया है क्या? हाँ आइए आइए आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया चटियार, जाने के लिए आया हूँ, ले जाने के लिए। अरे ये क्या कह रहे हैं साहब? सर मैं बताता हूँ चटियार, योर टाइम इज अप एंड फ्रॉम नाउ ऑन यू आर अंडर द लॉ एंड हियर आई एम द लॉ। अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इन्हें थोड़ा हिंदी में बोलने को कहो। कह रहे हैं आपको ले जाएंगे। ओए ले जाने? सर तुम गन में छोटा सा बुलेट रखते हो और मैं पत्थर का ही बुलेट बनाता हूँ। मेरे इलाके में आके मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो? मार मार के खत्म कर दूंगा। मारने का खेल तू पहले खेल चुका है, शिव गंगा में तेरा नंगा नाच, उनके दुखों का तुझे कोई ख्याल नहीं है, तुझे अब चलना पड़ेगा। चल अब चल। इधर आओ रे, मैं कौन हूँ इसे बता दो। फुल लोडेड है मिस्टर चटियार, मेरी एक उंगली के इशारे पर एक्स एमपी वरदा राजा चटियार, एक्सपायर्ड एमपी दबाऊं क्या? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। डन। द नेक्स्ट, हु आर दे? एक्स एमएलए बालासिंघम, यूथ लीडर कृष्णमूर्ति। बालासिंघम, कृष्णमूर्ति, वी आर गोइंग फॉर देम। यही है एक्स एमएलए बालासिंघम। यूथ लीडर कृष्णमूर्ति। विद्या क्या हुआ? तुमसे कहा है जो चीज अच्छी नहीं लगे उसे मत खाया करो। ये ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे इसका शक है। यहाँ छोटा अपन मेनन सर उठा रहा है। यस विद्या बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए गिफ्ट में? मुझे एक बॉल चाहिए, टेनिस बॉल। तेरी तुम। ए रुक जाओ, भागो मत। विद्या विद्या रुक जाओ, भागो मत, भागना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है विद्या। सुनो जी, नमस्ते। हम लोग गांव से हैं, केरला से। हमें अपन मेनन जी से बात करनी है। सीधा पॉइंट पे आता हूँ। एक्स एमपी वर्धराजा चटियार, एक्स एमएलए बालासिंघम,
यूथ लीडर कृष्णमूर्ति, तीनों लोगों को शिवगंगा इंसिडेंट केस में अरेस्ट किया अपन मेनन ने, उसके लिए हमें सभी का अभिनंदन करना चाहिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ कार्रवाई करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन उसके बदले हमने भी उन्हें लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया है। रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन, बड़े बड़े धुरंधर पैदा किए हैं हमने, ये बात याद रखना। हम आपसे कैश लेन देन करके दोस्ती करना चाहते हैं। कितना चाहिए तुम्हें जल्दी बोलो, जितना मांगोगे मिल जाए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ये आपको किसी ने नहीं बताया? शिवगंगा, इस मसले को तुम जिस तरह उछाल रहे हो, बेहतर यही होगा कि उसे बंद कर दो अभी इसी वक्त, समझ गए ना? शिवगंगा में जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, गलत है, लेकिन खुद के सर पे बात आ गई तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल है, जीने के लिए सहारे की जरूरत है, लेकिन ये गुजर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। रूल्स बनाने वाले और अधिकार जताने वाले राष्ट्र नेताओं की, सामने वालों को कुचलना ही चाहिए अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना और कुछ पाना है तो। लुक मिस्टर मेनन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अब शिवगंगा में बनने जा रहा है, एक आमदनी का बहुत अच्छा जरिया, इससे देश को भी नुकसान नहीं है। सही है, जहां तक दूसरों का नुकसान हो वहां तक, लेकिन जीने के हक में एक ही भारत है और हम सब एक हैं, कोई भेदभाव नहीं। केरला में जितना इन्वेस्टमेंट होकर प्रॉफिट आता है वो तमिलनाडु में इन्वेस्ट होता है, अच्छी बात है, सही है, कोई शक भी नहीं करेगा। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जितना भी लूटो कोई बात नहीं। शिवगंगा में हम अब बनाने जा रहे हैं बहुत बड़ी कार फैक्ट्री, जो बिल्कुल कम कीमत में, जो राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाएगा, यही हमारा सपना है। शिवगंगा लबड़े से हटने के लिए तुम्हें क्या चाहिए मेनन? मेरा खानदान ऐसी बिकाऊ जिंदगी जीने वालों में से नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर तुम लोग वहाँ क्या क्या करने वाले हो ये सब मैं जानता हूँ। सारे फायदे नुकसान, गरीब किसानों और गरीब मजदूरों की जमीन हड़प कर मल्टीनेशनल कंपनी को बेचकर करोड़ों कमीशन कमा लेते हो, पहले सिंगू नंदीग्राम और अब शिवगंगा, एक नहीं 16 बच्चे अनाथ हो गए हैं तुम लोगों की वजह से, उनका बचपन छीन लिया, माफी नहीं मिलेगी तुम लोगों को, वक्त माफ नहीं करेगा। वक्त, वक्त के साथ समझौता हम कर लेंगे, तुम्हें हमारी ये बात मंजूर है या नहीं हमें सिर्फ ये बात जाननी है। तुम्हें उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए था, जरा सोचो, शिवगंगा के लोगों को बचाने के लिए, एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, वहाँ की गरीब जनता, उनका घर छीन लिया जाए तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? वो सब तुम मत सोचो, तुम्हारा जितना काम था वो खत्म हो गया, अब वहाँ जो भी होगा उसका जिम्मेदार वक्त होगा, हमारा नहीं तुम्हारा, चलते हैं। वक्त तुम्हें ऐसी सजा देगा कि याद रहेगा। डर गई? पिछली चली गई, कुछ नहीं होगा विद्या। सुनो जी, सुनो जी, विद्या अंदर चलो। तुम अंदर जाओ। सुनो, जाओ। सुनो, नहीं, नहीं, सुनो जी। Thank you.
Hey, रुक जा, ये अपने आप मर जाएगा। नेताओं से टकराओगे तो यही अंजाम होगा तुम्हारा, समझ गए? डॉक्टर श्रीनिवास सैयंघर, साइक्रेटिस्ट शिवगंगा। ये मेरा शौक है, फिल्में देखने का। तमिल फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। डॉक्टर के परिवार से जन्मे आप केरला में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इसके बावजूद भी आपका ऐसे चीजों में दिलचस्पी क्यों है? दूसरे डॉक्टरों की वजह से, क्योंकि वो पीछे चले गए और मैं आगे आ गया। पेशेंट लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? इमोशंस जो कभी छुपाना नहीं चाहिए, जाहिर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही आपके दिल का बोझ हल्का होता है, और जब आपके दिल का बोझ हल्का होगा तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर गुस्सा आए तो गुस्सा करो, अगर खुशी आए तो खुश हो जाओ, अगर रोना आए तो दिल खोल कर रो। इंसान इंसान तभी बनता है जब वो भावनाओं को छिपाए नहीं, लोगों के सामने रखे। टेलीकास्ट की डेट आपको बता दी जाए। मैडम मैं टीवी प्रोग्राम नहीं देखता, सिर्फ सिनेमा देखता हूँ। फिर मिलेंगे। ओके डॉक्टर, ठीक है। शायद कोई पेशेंट है। पेशेंट है क्या? नहीं, नॉवलिस्ट। इसका मतलब पेशेंट है। आइए आइए। तो तुम अपन मेनन के बारे में जानना चाहती हो? यस। विद्या की मौत के शौक ने अपन मेनन को किस तरह परेशान किया, ये मैं जानना चाहती हूँ। और वैसे खासकर अपन मेनन का उन दिनों बर्ताव कैसा था, ये जानना है। एक पेशेंट के प्रति, एक डॉक्टर होने के नाते आपने क्या महसूस किया? पेशेंट के रूप में अपन मेनन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझसे मिलने जब अपन मेनन आया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर, मैं बहुत कोशिश करके देख लिया डॉक्टर, वो मुझे बेडरूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में, ऑफिस में, हर जगह विद्या ही नजर आती है डॉक्टर। डॉक्टर सहन नहीं हो पाता मुझसे, मुझे कुछ बीमारी है। मरी हुई बीवी को हमेशा अपने साथ देखना एक मानसिक बीमारी है, एंड आई एम अ पेशेंट। बीमारी की हालत में ही पेशेंट मेरे पास आते हैं, उसके अंदर कुछ कमियां थी वो जानने के लिए मैंने कुछ सवाल किए थे उससे। लेकिन एक शांत स्वभाव का आदमी था वो, एक सुलझा हुआ, समझदार, एक इंटेलिजेंट आदमी लगा था वो मुझे। अपनी बीवी की मौत का सदमा होने के बावजूद वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान था। वैधा शायद हमेशा उसके पास रहना चाहती थी, इसीलिए उसकी यादें उससे दूर नहीं जा रही थी। बहुत प्यार करती थी उसकी बीवी अपन से, सच कह। जी हाँ, जी हाँ, हद से भी ज्यादा।
इस दुनिया से भी बढ़कर, मगर लेकर गया वक्त, टाइम। दो दिन बाद अपन चला गया। उसके बाद वो मुझसे मिलने काफी दिन बाद आया। हे भगवान, तू सबका भला करना। हे भगवान, मैं तिरुपति गया था, वहां से प्रसाद लाया हूँ। तीर्थ स्थान गया था? जी हाँ, सभी बड़े मंदिरों के दर्शन किए। दिल जब शांत है तो यात्रा की क्या जरूरत थी? विद्या ने कहा था, मैं काशी विश्वनाथ के आगे जब हाथ जोड़कर खड़ा था तो दिल में एक शंका हुई, इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं तो मुझे बताइए। पूछो। खून करना पाप है, लेकिन खून करना या करवाना? यस, मैंने किया डॉक्टर। XMP वर्ध राजा चटियार। XMLA बाला सिंगम। यूथ लीडर कृष्णमूर्ति। डॉक्टर, तुम डर तो नहीं रहे हो ना? अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, हमला ही सबसे बड़ा बदला। इस वक्त मेरा दिमाग वही सोच रहा है। या डॉक्टर, इस वक्त यात्रा से मैं थक चुका हूं। अब मेरा ट्रांसफर हो गया केरला के लिए। वहां वो हैं कृष्णन नाम्बियार, सुलेमान साहिब, दामोदरन करता, फादर स्टीफन कोरचन। Their time is up. फिर? हाँ, ये सारे खून अयप्पन ने किए हैं। माना कि खून करना गुनाह है, लेकिन खूनियों को मारने में अयप्पन के साथ हूँ। वो जो कुछ करता है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। खून करना गुनाह है और खूनियों को मारना भी गुनाह है, हमारा लक्ष्य यही है। I think it's not a best defense. Ahimsa is the best defense, the only defense. पहले भी दुनिया जलती रही है, अब भी जलेगी। मेरे यहाँ आने का मकसद था इस कहानी को एक अंजाम तक पहुँचाना। यहाँ से लौट रही हूँ एक खूनी की सच्चाई जानकर। अपन में ने इट्स क्रिमिनल। तूने क्या किया है? तूने क्यों मारना चाहता था? क्यों मार रहे हो? मारने वाला मर गया, मैंने मारा है अपने इन्हीं हाथों से, अपने इन्हीं हाथों से मारा है। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी। तो नहीं सर, मैं इससे आज सच बोलवा के रहूंगा। बता तूने क्यों किया? चलो बता, पकड़ो इसे। मैंने मारा है। चलो सर, तूने क्या किया सब बता मुझे। आज तुझे बताना ही पड़ेगा। हाँ, क्या बग रहा है? मैं दूसरे नंबर पे था, मुझसे पहले उन्हें दो बार मार चुका है। हीरो को मैं दूसरी बार मारा। मेरे आने से पहले किसी ने उन्हें मार दिया था, मैंने दूसरी बार मारा था। दुर्गा देवी, अपन मेनन के बारे में तुरंत कोई फैसला लेना होगा सर। अरेस्ट हिम। Dear editor, I am here with sending a CD. Ex-minister Stephen Kurchan के खिलाफ मैं सारे सबूत भेज रहा हूँ। जो मैं CD आपके पास भेज रहा हूँ उसमें उनके कारनामों और जो कुछ भी आज तक उन्होंने किया है सब कुछ सच है। कुरचन की सच्चाई को जमाने के सामने ना ला सके, इसलिए सिटीजन प्रेस से मैं अनुरोध करता हूँ कि उनकी सच्चाई को सिटीजन प्रेस के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाए। उनके साथ हैं एक्स मिनिस्टर कृष्णन नाम्बियार, सुलेमान साहब,
दामोदरन करता, इन लोगों ने जिस तरह से उनका साथ दिया, ये सारी बातें लोगों के सामने आनी चाहिए। ये जंग मैं लोगों की हिफाजत के लिए लड़ रहा हूँ, ये बात मैं आप सबको बताते हुए समाप्त करता हूँ। कल ही ये पत्रिका ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। दिशा के ऑफिस में नहीं देना सर, उसकी अब जरूरत नहीं। जाओ जाके दरवाजा खोलो। सर सर कहाँ है? अंदर है सर। कहाँ है? अभी तो यही थे तो सर। फिर कहाँ गए वो? पता नहीं सर। कम ऑन सर्च फास्ट। कम ऑन मूव फास्ट। मैकलन। यस। एक ही डिपार्टमेंट में एक ही रैंक पर काम करते रहे हैं हम लोग। मैकलम, तुम मेरे लिए एक सीनियर ही नहीं, मेरे अच्छे दोस्त भी हो, समझे? हम आजादी की वजह से नहीं पूछ रहे, क्या ये जरूरी है कि हम दोनों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल? तुम चुप नहीं रह सकते जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। नो नो, क्रिमिनल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं पकड़ कर रहूंगा। बैड लक मैकलन, डेडली बैड लक। Round up. Yes, sir. You go this way. Okay, sir. Come on, search. कौन है उधर? ए, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? Search. Search कर रहे हैं हम लोग। हम हार गए थे, but just minute. अपन को छुपने के लिए बस यही जगह बची हुई है। वो यहाँ नहीं आए हैं। मैं इस पर कैसे यकीन करूँ? मिस्टर मैकलन, सुसन मेरी थॉमस की बात हमेशा सच होती है। डॉक्टर से जानकारी हासिल करने के बाद अपन के खिलाफ ये जानकारी अब तक मैंने ही पहुँचाई थी। सुसन मेरी, तुम्हारे दिल में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, बट मम्मा, मम्मा तो उसे बहुत चाहती है ना? बोलो। जी हाँ। क्या हुआ? नहीं सर, नहीं है। ओके ओके, इस वक्त तो हम जा रहे हैं, बट रिमेम्बर दिस, जिस तरह खूनी गुनहगार होता है उसी तरह उसे बचाने वाला भी। इस तरह मत देख, इन शैतानों को मार के हमने कोई गलती नहीं की, समझी? डरो मत, डरो मत, मैं तकलीफ देने के लिए नहीं आया हूँ, एक खबर देने आया हूँ। मैंने जो भी किया वो सही किया। आदर्श ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, आराम नहीं। आदर्श बताया था डॉक्टर श्रीनिवास ने, सुजन मेरी थॉमस की सारी बातें, अहिंसा इज द बेस्ट डिफेंस एंड द ओनली डिफेंस, है ना? हाँ तो? गलत गलत गलत, सबसे बड़ा गलत। मांगने से जब नहीं मिलता है तभी तो जनता सड़क पर उतरती है, छीनने के लिए, अपने हक के खातिर उसे रोकने के लिए बनाया गया है, अपने हक को हासिल करने के लिए एक तंत्र है, उसी को हम कहते हैं अहिंसा। अहिंसा के नाम पर इतने दिन तक राज करने वाले राजनेता आज तक क्या करते आए सिवाय झूठे वादों के और तसल्ली देने के अलावा? हो सकता है, लेकिन उसी रास्ते से लड़ाई भी जारी है हम जैसे नौजवानों। ये सब करके तुम्हें आखिर क्या मिलेगा? आजादी के 60 साल के बाद भी ना गुलामी रुकी, ना दहशत रुकी, ना लूटपाट रुकी। मुझे बताओ कौन कर रहा है गरीबों की हिफाजत? 1-2 करोड़ रुपए नहीं, 3,439 करोड़ रुपए। राजनेताओं की दरिंदगी की इंक्वायरी करने के लिए किया गया ये खर्च, इंक्वायरी कमीशन के नाम पर क्या हुआ है मुझे आज तक बताओ? एक नेता को भी आज तक एक दिन की भी सजा हुई है? 125 करोड़ में से 7.5 करोड़ नेताओं का खर्च, हर साल 32 करोड़ रुपए सिर्फ इनके ऐशो आराम पर और अय्याशी के लिए खर्च किया जाता है, ये तुमको पता है क्यों? ऑपोजिशन में रहेंगे तो बंद स्ट्राइक ये सब चलता रहेगा, जब हुकूमत में रहेंगे तो ये सब कुछ नहीं होगा। एक मंदिर तोड़ने से कितने भक्तों का नाश होता है, ये अंधविश्वास में रहते हैं, ये एक राजनेता का कहना है, जनता उसको मानती है क्योंकि नेता का बयान। लेकिन एक राजनेता मरेगा तो जाने कितने शैतान मरेंगे, तो शांति हो जाएगी। तुम जिन्हें सजा दे रहे हो वो भी तो सिद्धांतों के हकदार थे, गांधी जी के। गांधी जी, गांधी जी का तो मैं भी बहुत आदर करता हूँ, लेकिन सिर्फ गांधी जी ही काफी है क्या?
सुभाष चंद्र बोस चाहिए, भगत सिंह चाहिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद चाहिए, चंद्रशेखर आजाद चाहिए, वीर सावरकर चाहिए। एक हाथ नहीं, हजारों हाथ चाहिए। यही हमें चाहिए, यही चाहिए। विद्या के ही कातिल नहीं, शिव गंगा में मरने वाले 16 परिवार की मौत के जिम्मेदार जो थे वो सब मेरे हाथ से मारे गए। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, ये वक्त का फैसला है और वक्त ने कर दिखाया। अनजान नाम से सूजन को जो सीडी मैंने भेजी थी उसी के जरिए कितने सफेद पोशाक वालों का काला चेहरा सामने आया तो जनता का गुस्सा, वही तो मेरा हथियार था उन शैतानों को मारने के लिए। जिस काम को मैं अंजाम देता गया तुम जानती हो उसमें मेरी मदद दुर्गा के रूप में आके किसने की थी? स्वयं वक्त ने। अहिंसा नहीं है मेरा तत्व शस्त्र, हिंसा, हिंसा है। विद्या को मारने वालों में से आखिरी शख्स बचा है स्टीफन कोटियन। His time is up. सर गुड मॉर्निंग। मुझे तेरा ही इंतजार था। आपको बताने की जरूरत नहीं है सर, पहले से ही उसे पता चल गया होगा। पुलिस प्रोटेक्शन आपको देने का फैसला किया है। मुझे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, ये मेरा इलाका है, इसलिए मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। मैं जब भी यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो मेरे साथ हमेशा लोग होते हैं, पार्टी के लोग हैं जो हमारी रक्षा के लिए है। सर आप जैसा सोचते हैं उतना मामूली इंसान नहीं है वो। मेरा हाथ देखा क्या? एक ही पंच में वो दुनिया छोड़ देगा, वो होगा तुम्हारे लिए। अपन मेनन से कह दो, इसलिए तुम जाओ और मेरी फिक्र मत करो, समझे? ये जो बोलता है बोलने दो, हमें अपना काम करना है, समझे ना? सर। दोस्त को, दुश्मन को सजाए मौत दी जाती है। मेरी विद्या को मारने वाले तुझे माफी नहीं। तुम्हारी पत्नी को हमने मारा, ये सच है, अपनी मर्जी से नहीं, हमसे करवाया गया है। कौन है? कौन है? God bless you. कोशी का भी तो भला हो। उसके रखवाले और उसको बनाने वाले इन सब के लिए बाहर से इकट्ठा किया गया सारा पैसा और बनाया गया दूसरा ट्रस्ट का सब कुछ, यहाँ तक जमीन जायदाद सब कुछ, करवाने वाला आपका ये नाजीज एक छोटा सा बिजनेसमैन आपका चहेता, आपकी दुआ का हकदार मैं हुआ ना? बिल्कुल, तुम्हारे लिए ही हम दुआ मांग रहे थे। कोशी कोशी नहीं,
कोशी इब्राहिम कोशी। सच में भले मैं क्रिश्चियन हूँ, सच्चाई की ज्योतिष विद्या पर मुझे अपने आप से ज्यादा यकीन है। भले ही वो कोई भी हो, तुम हो, वो हो या कोई और हो, कुछ भी शुरू होने से पहले मेरा नाम होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ से चले कोशी। ओ ठीक है। हाँ तो प्रेस और पत्रकार इंतजार कर रहे हैं, कहना उनसे सारे धर्म जात को एक साथ जोड़कर इस चर्च को मैंने बनवाया है। अरे लिखने दो उन लोगों को, उनकी कलम से इस राष्ट्र में इस नाचीज के जीवन चरित्र के बारे में। सही होगा। हाँ ठीक है, जाइए जाइए। कोशी भाई तुम्हें मानना ही पड़ेगा, कोशी ही इब्राहिम कोशी है, ये तो मानना पड़ेगा। सरकार और कोर्ट जो नहीं मान पाती है। कोशी करता है ये, कोशी अब्राहम कोशी ही करता है। वो सब रहने दो, हम काम की बात करें। शिवगंगा, उधर मेरे हिसाब से कोई भी काम नहीं हो रहा है। वृद्धा राजा चटियार, बाल सिंघम, कृष्णमूर्ति कार फैक्ट्री लाने के लिए उस जमीन को खाली करा के मुझे सौंपने का वादा किया, जानते हुए क्यों नहीं हुआ? और उसका जिम्मेदार कौन है? अपन मेनन, खाली अपन मेनन। नंबियार तुम्हें जाना ही होगा, उससे मिलने के लिए एक फार्मूला तैयार करो। नहीं माना तो? मानना पड़ेगा, तुम जानते हो ये कोशी पूरे राज्य में जो चाहता है वही होता आया है, और जो मेरे खिलाफ जाता कोशी है, कोशी अब्राहम कोशी उसका फरमान जारी कर देता है। हाँ, सिर्फ शिवगंगा ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी नजर में हैं। इस महान हिंदुस्तान की धरती पर 50 करोड़ लोगों की ये इंडिया, पैसे वालों की ये इंडिया, कमाई की इंडिया, विदेशों से जो यहाँ आते हैं उन्हें कॉकटेल के रूप में सम्मानित किया जाने वाला, इस देश में कीड़े मकोड़ों की और गधों की तरह जीने वाले उन लोगों को हमेशा के लिए इस देश से हटना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसर के रूप में बदनामी बनी हुई है। उन्हें हटना ही होगा, चाहे उन्हें प्रकृति लेके जाए या हम उन्हें मिटाएं, उन्हें हर हालत में हटाना ही होगा, हमें ये करना ही होगा, समझ गए? कोशी का सपना शिवगंगा बहुत जल्द पूरा होने वाला है। गणपति का रखा हुआ पिंड कौवा खाए। ऐसा अब शकुन वहां नहीं होना चाहिए, ये भी समझा देना अपन को। नहीं माना तो मिटाना होगा उसको, मिटना होगा हमेशा के लिए। देखना सर, बहुत मजबूत तार से बनाया गया है ये। 24 घंटे इसमें करंट पास होने का इंतजाम कर दिया है, राहु काल उस पे आके रहेगा और ये हम लोग लाके रहेंगे। गांव वाले इसे छुएंगे ऐसा मत सोचना। सिंगूर नदी ग्राम, इसके बाद शिवगंगा, जो भी वहाँ हुआ वो यहाँ नहीं दोहराया जाएगा, इस बात का मुझे पूरी तरह यकीन है। इसलिए सारी पार्टियों को बुलाने से पहले मैं तुम लोगों से मिलकर अपनी बात बताना चाहता था। हम हमेशा आपके साथ हैं। ये इलाका जहाँ तक मेरे ख्याल से एक बिजनेस के लिए ही नहीं, बल्कि इसी जगह पर मेरे बाप को अपन के बाप ने गोली से भून डाला था। उस वक्त मैं बच्चा था, मरे हुए बाप से लिपट के रोते समय मैं नहीं जानता था। इसी समंदर के किनारे मैं अच्छी तरह से खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। आज ही मेरे पिताजी की बरसी है, इसीलिए मैं सारे प्रोग्राम रद्द करके इसी जगह पर तुम लोगों से मिला। अब तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम लोग अभी निकलो यहाँ से, क्योंकि राहु काल अब शुरू होने वाला है। ठीक है, ठीक है सर। अरे बच्चों, कोई मदद मांगने आए हो तो कहो, बोलो बोलो, जो भी कुछ मांगोगे हम तुम्हें देंगे। पिताजी चाहिए, मुझे मेरा पिताजी चाहिए। मैं समझा नहीं। तुमने जो मारा है वो हमारा पिताजी चाहिए। तुम लोग कहाँ से आए हुए हो? शिवगंगा, 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 शिवगंगा।
याद नहीं आया तुम्हें शिव गंगा? कार फैक्ट्री के लिए लोगों का नरसिंगार किया वो शिव गंगा, वही के ये बच्चे हैं। आज के दिन तुझसे कोई भी कुछ मांगे तू देने को तैयार है ना? तो फिर दे 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 दे, इनको लौटा दे, इनके माँ बाप को। मुझे भी चाहिए मेरी प्यारी विद्या, दे सकता है ये सब तू हमें लौटा सकता है? ओशी, इस दुनिया में बड़े बड़े खुद को भगवान कहलाने वाले उनका भी धरती से नामो निशान मिट गया है, तूने कभी सुना नहीं? अब वही तेरे साथ होने वाला है, तेरा वक्त आज यही खत्म हो जाएगा। योर टाइम इज अप। मेरा वक्त? उसे रोकने की हिम्मत तुझमें नहीं है अपन, लेकिन तेरा वक्त खत्म करने की हिम्मत है मुझमें। जैसे तेरी बीवी का वक्त खत्म किया मैंने, जैसे इन भिखारियों के बाप का वक्त खत्म किया मैंने, जो तू नहीं जानता मैंने कितने लोगों का वक्त खत्म किया है, अब तेरा वक्त खत्म होगा। नाउ यू आर टाइम्स अप। सिर्फ एक ही चीज को कैद नहीं किया जा सकता, वो है वक्त। अब तू अपने आखिरी सफर पे जा रहा है, परलोक की यात्रा तेरी यात्रा, मरण यात्रा। ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन गवर्नर के आदेश के मुताबिक जब मैं सजा काट के बाहर निकला तो मैं देख रहा हूँ नए दौर की एक नई शुरुआत। यह एक नारा है सच्चाई सुकून से जीने वालों के लिए। इस शांति प्राय देश में कोई ना कोई ऐसा मसीहा जरूर आएगा जो अहिंसा का जवाब अहिंसा से देकर देशवासियों को सुख शांति प्रदान करेगा। वक्त हर पल चमकते हुए चेहरे का इंतजार कर रहा है ताकि जुल्म सितम इस दुनिया से मिट जाए।